नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और बज रहे हैं 8:30-9 और यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं और हम यहाँ पे रोटी खा रहे हैं। हाँ, जिस जिसको खाना है आप लोग आइए खाइए। ये रही सब्जी और ये रहा रोटी। तो नानू बोला जाए। राम राम बोल जा। ऐसे बोलते हैं राम राम? सही से बोलो राम राम। यहाँ हाथ जोड़ के बोलते हैं बेटा राम राम। हाँ ऐसे राम राम। मम कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सुबह में वो बोल नहीं रहा था लेकिन अब वो बोल रहा है, क्योंकि सुबह में ये सो के उठा था इसलिए नहीं बोल रहा था, नींद में था। तो जिस जिसको रोटी खानी है दोस्तों, आइए आप लोग खा लीजिए। टमाटर और प्याज की चटनी सी बनाई हुई है और रोटी है और साथ में हम मतलब चाय भी पी रहे हैं और ये भी खा रहे हैं। मुझे रोटी सब्जी के साथ चाय पीना अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे को बनाने में रोटी लेट हो जाते हैं क्योंकि मैं गाय का दूध भी काढ़ती हूँ। आप लोग बड़े वाले ब्लॉक में आप लोग देखते ही हैं कि हाँ मैं दूध काढ़ती हूँ, तो इसलिए मुझे लेट हो जाते हैं। सुबह में उठते हैं, पहले गाय का काम करते हैं, पहले पोटा वगैरह गिर के आते हैं, उसके बाद से फिर गाय का दूध काढ़ते हैं, फिर बच्चों को दूध वगैरह पियाते हैं, फिर उसके बाद से मुझे रोटी बनानी होती है, इसलिए मुझे लेट हो जाते हैं दोस्तों रोटी बनाने में। तो दोस्तों, दोनों बच्चे हैं ना, तो परेशान करते हैं कुछ इन सब में। कभी कई देर बच्चों को खिला लेते हैं, कई देर वीडियो बना लेते हैं। मेरी बड़ी वाली लड़की अभी सो रही है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी सो रही है वो। बस ये जगह हुआ है तो ये सबसे छोटा है, तो मतलब सबसे क्या है, मतलब दो ही बच्चे हैं मेरे, तो बड़ी वाली लड़की से ये छोटा है। तो ये सुबह में जल्दी जग जाता है, लाडला है, और वो ज़्यादा देर तक खेलती है, रात में ज़्यादा देर तक जगती है तो लेट तक सोती है। और ये सुबह में 5 बजे ही जग जाता है, कभी मेरे पास खेलेगा, कभी अपने पापा के पास खेलेगा। तो बच्चे को खिलाना ही पड़ता है, और चाहे वो किसी के बच्चे हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, सबके बच्चे एक जैसे होते हैं। मुझे बच्चा खिलाना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि छोटी जात का है उसका बच्चा क्यों खिला रहा है, लेकिन मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो बच्चा सुसु भी कर देना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी का भी बच्चे को खिला लेते हैं, क्योंकि हम बच्चों को सबके बच्चे को एक जैसे ही मानते हैं, चाहे वो मेरा बच्चा हो चाहे वो किसी और का बच्चा हो। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मतलब कि दूसरे का बच्चा को लेके गोद में खिला रही है, उस मतलब छोटी जात के बच्चे को वो सुसु कर दिया, ऐसे कर दिया। पर ऐसे भेदभाव, बच्चे में कोई भेदभाव नहीं रखनी चाहिए और इंसान में भी कोई भेदभाव नहीं रखनी चाहिए। मेरा कहनाम ये है, और आप लोग का क्या कहनाम है आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि मैंने बात सही बोली है या गलत बोली है। बच्चे तो एक जैसे होते हैं, खुद के बच्चे सुसु करते तो वो अमृत तो नहीं बन जाता है ना, और दूसरे के बच्चे सुसु करते हैं तो तेजाब तो नहीं बन जाता है। तो सबके बच्चे तो एक जैसे होते हैं। तो मैं इसी बारे में आप लोगों से बात करती हूँ कि मतलब किसी के भी बच्चे हो, आप लोग ऐसे जात पात से और ये नहीं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। कई लोग अपने बच्चों को खिलाने भी नहीं देते हैं, पर ऐसा उन लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा नहीं करने दीजिए। बच्चे हर किसी के होते हैं, हर कोई खिला सकता है। कोई भी हम कभी कहीं बस में आते जाते हैं ना, तो हमारे दोनों बच्चों को कोई भी खिला लेता है, पर कोई भी खिलाए, बच्चों को मना नहीं करनी चाहिए खिलाने के लिए। हाँ, पर थोड़ी सी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को कुछ कर देते हैं लोग, वो ध्यान रखना चाहिए। ये सही बात है कि बच्चों को कुछ कर देते हैं लोग, तो उसका भी ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो अपना हो, जिसको हम जानते हैं, जो ऐसा नहीं है, तो वो तो खिला ही सकता है ना।
अजनबी को थोड़ी ना वो करते हैं कि अजनबी हम जानते नहीं हैं वो क्या करता है, वो नहीं करता है और मेरे बच्चे को ले लिया, गोद में खिला लिया या कुछ कर दिया। तो इस चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए। और बाकी तो मेरा कहना भी है कि बच्चों को खिलाने के लिए मना नहीं करना चाहिए, जो जैसा करता है उसके आगे वैसा आता है। अगर हम सही है ना तो भगवान हमारे संग सही करेंगे, अगर हम गलत हैं तो हमारे संग गलत होगा, चाहे मैं लाख कोशिश करूँ उसको सही करने के लिए। तो आप लोग का क्या कहना है मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा तो ये कहना है और आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, और फॉलो करना ना भूलिएगा। दूसरों को आगे भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई ब्लॉग में, अभी के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।